हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस सिंह। बहुत टाइम बाद ब्लॉग बन रहा है, वो भी मैं बना रही हूँ, क्योंकि बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और मेडिकल इश्यूज़ भी हो गए थे। वो सब आपसे शेयर करेंगे आराम से धीरे धीरे बाद में। बट आज मैं और वान्या फिर से हम लोग व्लॉगिंग, मतलब बैक टू व्लॉगिंग। हेलो हाय फ्रेंड्स, तो गाइस अब तो मैंने बहुत दिन बाद ही आपसे सवाल पूछा था ना, और आपने कमेंट में नहीं दिया है। कमेंट में नहीं दिया है? आप लोग प्लीज कमेंट में जवाब दीजिए। पता नहीं वान्या ने आपसे क्या सवाल पूछा है। मैंने पूछा था कि गाय मिल देती है और मुर्गी अंदर रहती है, तो क्या है, तो दोनों चीज दे सकता है। गाय दूध देती है और मुर्गी अंडा देती है, ऐसा कौन है जो दोनों दे सकता है? वाओ, नाइस क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट करके इसका जवाब बताइएगा कि इसका जवाब क्या हो सकता है। और फिलहाल मैं और वान्या ही हैं। वानू की एग्ज़ाम हो गया है और पेपर हम लोगों ने वानू का देख लिया है। रिजल्ट आना है 22 को ना, हाँ yes. 22 मार्च को। उसके बाद नया सेशन स्टार्ट होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि वानी ने फुल मार्क्स पाए सब में। शी इज अ वेरी गुड गर्ल, गुड इन स्टडी। You feeling that it? तब मैं इस सवाल का जवाब देके बताइए। जब नहीं दे पाए तो मैं पिछले ब्लॉग में आप तो ये सवाल बता दूंगी। तो आज ये ब्लॉग स्पेशली इसलिए बन रहा है कि actually आज पापा तो आज पार्टी होने वाली है। हाँ, आज पार्टी तो होने वाली है और बहुत कुछ नया है जो आपसे शेयर करना है। धीरे धीरे करके हम लोग शेयर करेंगे। फिलहाल ये व्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ कि आज मैंने ये सोचा है, मतलब मैं और वान्या मिलके ये सोचे हैं कि आज मैं दिन भर साड़ी में रहूँगी। मीन्स समझ सकते हैं बता रही। तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि मैं दिन भर साड़ी में रहूँगी, मतलब साड़ी में ही सारा घर का काम करना है, जो मेरे लिए तो इम्पॉसिबल ही है। पर देखते हैं कि मैं कर पाती हूँ कि नहीं। उन लेडीज़ को जो लेडीज़ साड़ियों में काम करते हैं, सीरियसली कैसे काम करते होंगे, मैं वही सोच रही थी। तो आज हम ये ट्राई करके देखते हैं कि हम कर पाते हैं कि नहीं। तो साड़ी पहना जाए? साड़ी में वैसे तो घरेलू मैं कभी साड़ी पहनी नहीं, मतलब घर के लिए हमेशा फंक्शंस में ही साड़ी पहनती हूँ। तो बस दो चार घंटे के लिए साड़ी पहना, फिर उसको उतार दिया। मतलब साड़ी कैरी करना बहुत ही मुश्किल होता है, और जो लोग कैरी करते हैं डेली उनके लिए तो आसान है, बट हम लोग के लिए बहुत मुश्किल है। तो आज ट्राई करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जा पाती हूँ और कब तक जा पाती हूँ। लेट्स सी, तो मिलते हैं, बाय बाय। सो फ्रेंड्स, हेलो। सो फ्रेंड्स, साड़ी तो मैंने पहन ली है, बट साड़ी पहन के काम थोड़ा हो नहीं रहा, बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब बहुत ही ज़्यादा, एक तो गर्मी भी है, ऊपर से नहीं हो पा रहा। मतलब सीरियसली उन लेडीज़ों को हैट्स ऑफ है मेरा, जो दिन भर साड़ी में रह के काम करती हैं, क्योंकि मेरे बस का तो बिल्कुल भी नहीं है। है ना मानू? मम्मा तो इतनी दुबली पतली है, क्या बट आ रहा है मम्मी का। ओह माय गॉड, मतलब इसको लग रहा है कि मैं थोड़ी पतली हो गई, तो अच्छी बात है पतली हो गई हूँ तो, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं साड़ी में भी तो पतली लग रही हो आप। ओह ऐसा? हाँ। देखिए जरा, पकड़ो ऐसे फोन को, पकड़ो और दूर जाओ। ऐसा है क्या गाइस? आप लोग देखिए बताइएगा कि साड़ी में क्या मैं पतली लग रही हूँ, मतलब कि मैं पतली हूँ नहीं, पहले से पतली लग रही हूँ क्या, बस इतना बताइएगा। वैसे मुश्किल है क्योंकि मेरा कोई वेट लॉस हुआ नहीं है और ना ही मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ, बट ऐसी मेरी बेटी बोल रही है तो शायद मे भी, तो मैं मान ही लेती हूँ ना कि मेरा वेट लॉस हुआ है। सो फ्रेंड्स, जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं दिन भर साड़ी में काम करूँगी और आपको दिखाऊँगी ही चीज़ें कैसे कैसे तो चीज़ें कैसे कैसे मैनेज होता है, बट नहीं हो पाता है। हाँ, बट हो नहीं पाता है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों को भी देखना और फिर साड़ी, फिर मतलब घर का, इट्स सो टफ। सो हम अपने अवतार में आ जाते हैं, जा रहे हैं चेंज करने, जिसमें हम कंफर्टेबल हैं। वैसे भी हम यही कहेंगे सबसे कि जो जिसमें कंफर्टेबल होता है उसको वही ड्रेस पहनना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा है। ये साड़ी सूड़ी हम लोग फंक्शन के लिए रखते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिलहाल अभी के लिए बाय बाय, हम मिलते हैं बाद में। अब हम मिलेंगे शाम को शायद, अगर हम पार्टी, इफ़ अगर हम पार्टी में जाते हैं तो, नहीं तो घर पर रहेंगे तो कोई बात ही नहीं है। तो फिलहाल अभी के लिए बाय बाय।